नमस्कार, एनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। 9 दिसंबर को हुई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की जनाक्रोश रैली में जनपद मैनपुरी से 10,000 से ज्यादा की संख्या में कार्यकर्ता लखनऊ के रमा देवी अम्बेडकर मैदान में पहुंचे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में खासा जोश व उत्साह देखने को मिला। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की ये रिपोर्ट। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की जन आक्रोश रैली रमाबाई अम्बेडकर मैदान लखनऊ में रखी गई है। उसके लिए मैनपुरी से प्रभारी किशन दुबे के साथ 10,000 से अधिक कार्यकर्ता लखनऊ के लिए निकल गए। काफिले में करीब करीब 500 से अधिक गाड़ियां व बसें दिखाई दी। कार्यकर्ता ने अपने नेता से मिलने के उतावले थे। प्रभारी किशन दुबे ने बताया कि लखनऊ में आज जनाक्रोश रैली निकाली जा रही है। रैली का मुख्य उद्देश्य किसानों को उसका हक दिलाना है। उन्होंने कहा, शिवपाल सिंह जमेनी नेता है, उन्होंने पूरे जीवन में कार्यकर्ताओं के लिए काम किया। ऐसा ही हाल सारे जनपदों में देखने के लिए मिल रहा है। हर जनपद हर कस्बे से काफिले के साथ लोग लखनऊ के लिए निकले। समाजवादी पार्टी से अलग होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बनाने वाले दिग्गज नेता शिवपाल सिंह यादव ने रविवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में रमाबाई अम्बेडकर मैदान में जन आक्रोश रैली आयोजित कर अपनी ताकत का एहसास कराया। जब शिवपाल सिंह की पार्टी की ओर से आयोजित पहली रैली थी, एसपी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी इस रैली में हिस्सा लेने पहुंचे। यही नहीं, मुलायम सिंह के साथ उनकी छोटी बहू अपर्णा भी मंच पर नजर आईं और उन्होंने ऐलान किया वह चाचा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। लखनऊ में होने वाली जन आक्रोश रैली जो रमाबाई मैदान में होने वाली है, उसके लिए मैनपुरी से काफिला सज चुका है। जी हाँ, हम अभी जनपद मैनपुरी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खड़े हुए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता पीछे हमारे मौजूद हैं। और अभी हमारे पास बात करने के लिए मैनपुरी जिले के प्रभारी आदरणीय श्री किशन दुबे जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं, ये रैली किस संदर्भ में रखी गई है। आइए हम उनसे पूछते हैं, दुबे जी, ये जो रैली रखी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस चीज़ के लिए ये रखी गई है? पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश जानता है कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने पूरे जीवन कार्यकर्ताओं के लिए अपना जीवन दिया है और पूरी शिद्दत से जमीनी व्यक्ति हैं शिवपाल जी। उसी चीज को साबित करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि माननीय शिवपाल सिंह यादव के लिए पूरा प्रदेश उनके साथ है। जैसी उन्होंने जिम्मेदारी मैनपुरी की मुझ जैसे युवा को दी, मैं और मेरे बड़े भाई सुजान सिंह यादव, हम सभी ने मिलकर बहुत बड़ी संख्या में वाहन और हमारे साथ हजारों कार्यकर्ता, मैनपुरी से कम 10,000 कार्यकर्ता लखनऊ की सरजमी पर पहुंच रहे हैं। प्रत्येक जनपद, प्रत्येक कस्बे से यही स्थिति है और मैं ये दावा कर सकता हूं कि आज लखनऊ के रामाबाई मैदान, जिसको ये कहा जाता है जिसे भरना मुश्किल है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि सुजान वो आदरणीय शिवपाल सिंह जी के चहेते लोगों से वो रामाबाई मैदान भर ही नहीं जाएगा, बल्कि उसमें जगह भी नहीं बचेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हमारे किशन दुबे जी ने ये कहा कि जिस मैदान को लेने में सत्ता की पार्टी भी घबरा जाती है, वो मैदान आदरणीय शिवपाल जी ने लिया हुआ है। इसके लिए यहाँ से सैकड़ों की संख्या में जो उन्होंने टारगेट दिया था, उन्होंने वो पूरा कर दिया और यहाँ से रैली निकल रही है। मैनपुरी न्यूज़ के लिए अभिषेक चौबे।